हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फाइलम, फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो जो अर्थ्रोपोडा है उसमें बेसिकली हम लोग इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ्रोपोडा इज़ द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज अर्थ आर अर्थ्रोपोडा। जो भी स्पीसीज आज तक अर्थ पर पाए जाते हैं उसमें से 2/3 तो अर्थ्रोपोडा के ही हैं। तो इंसेक्ट बेसिकली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और अगर इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट का मतलब होता है बेटा आवास, अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, मतलब ये एक्वाटिक होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। समटाइम्स दे आर पैरासिटिक, ये पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। और अगर सिमेट्री की बात करें इनमें, तो जो बॉडी है वो बायलेटरल सिमेट्री में पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी क्या पाया जाता है? आर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे स्टडी करते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। पहला है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है ना, 3 रीजन में डिवाइड होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कुछ में कि हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के प्रोसोमा बना देता है। क्या बना देता है? प्रोसोमा, ठीक है ना, सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं उसको। तो ये कुछ केसेस में देखने को मिलता है। यूनिक फीचर क्या है? इनमें जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये इनकी जो बॉडी है वो पूरी कवर होगी एक्सोस्केलेटन से, ठीक है ना। तो ये इनमें यूनिक फीचर पाया जाता है। अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी अराउंड विसेरा कंटेन ब्लड एंड कोलम फिल्ड विथ ब्लड, इनमें ब्लड फिल्ड होता है और इसको हम लोग हीमोकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोकोल। तो बॉडी कैविटी में ब्लड फिल्ड होता है पूरी तरीके से, हीमोकोल बोलते हैं जिसको। डाइजेस्टिव ट्रैक इनमें कैसा होता है? इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो कंप्लीट होता है। दे कैन फीड अप ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें लगभग जो भी फूड सब्सटेंस से रिलेटेड हैं उसको ये खा सकते हैं, ठीक है ना, और इसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनमें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन बाय गिल्स पाया जाता है, जैसे प्राण। आप झींगा देखो, झींगा आपको पता ही होगा, ठीक है ना, वो भी प्राण जो इसी में आता, तो गिल्स के थ्रू करते हैं। बुक गिल्स, किंग क्रैब है, किंग क्रैब। फिर उसके बाद देखो ट्रेचिया सिस्टम किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में पाया जाता है। स्कॉर्पियन में बुक लंग्स टाइप पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, कहीं 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 गिल्स है, कहीं कुछ है। ट्रेचिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द बॉडी सेल, और ट्रेचिया क्या करती है? डायरेक्टली ऑक्सीजन को बॉडी सेल तक पहुँचाती है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ इनके बारे में। अब अगर हम इनका क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, क्या डिस्कस करें? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का पाया जाता है, ओपन टाइप का, हाँ। बॉडी फ्लो इन ओपन टिश्यू, ओपन टिश्यू में ब्लड फ्लो इन ओपन टिश्यू, ब्लड जो ओपन टिश्यू में फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जैसे हम लोग में, ह्यूमन में नहीं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, सब वेन्स पाई जाती हैं तमाम। तो इसमें जो बॉडी, ये जो ब्लड है, ब्लड जो है फ्लो होगा वो सीधे आपका ओपन टिश्यू में, तो ओपन टाइप इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। ब्लड इनका क्या होता है? कलरलेस होता है, इंसेक्ट में कलरलेस होता है। आप झींगा का ही देख लो, रेड ब्लड तो निकलेगा नहीं। प्राण, प्राण की अगर बात करो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है ना। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे हम लोग में आयरन है वैसे इनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हीमोसाइनिन फाउंड इन सम अर्थ्रोपोडा, जैसे प्राण में ये पाया जाता है हीमोसाइनिन। तो इसकी बात हुई। अब अगर हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन की, एक्सक्रीटरी आर्गन आपको पता ही, एक्सक्रीटरी आर्गन। तो एक्सक्रीटरी आर्गन जो इसमें यहाँ पर होता है, प्राण की बात करें तो एंटीनरी होता है, कोएक्सल ग्लैंड पाया जाता है स्कॉर्पियन में,
मालफीगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है इंसेक्ट में। तो एक्सक्रिटरी आर्गन डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट में डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन जो मैटर है एक्सक्रिटरी मैटर वो बेसिकली अमोनिया है और यूरिक एसिड है लैंड एनिमल में। आ गया समझ में। नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइजेज ए नर्व रिंग एंड ए डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम है वो एक नर्व रिंग और डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग होता है। नर्वस सिस्टम इसी से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना हमारा। तो इसमें नर्व रिंग पाई जाती है, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंगिला। हेड इज डिस्टिंक्ट, हाई डिग्री ऑफ जो हेड होता है वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। और इसमें सेंसरी आर्गन लाइक सिंपल आईज, कंपाउंड आईज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये पाई जाती हैं, ये भी आपका है, एंटीना पाया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका सेंसरी आर्गन भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस अगर हम डिस्कस करें तो डेवलपमेंट दोनों तरीके का होता है, डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अब हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट।